हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम एक शानदार क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है 3 कूलॉम का, जो कि हमारा रखा गया है 5 5 4 पे 3 डायमेंशन में, और अनदर पॉइंट चार्ज दिया गया है -6 कूलॉम का, वो भी हमारा रखा गया है 3 3 3 पे। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म निकालनी है हमें इस -6 कूलॉम पे, जो फोर्स लगेगा किसके कारण, इस 3 कूलॉम के कारण। वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलॉम। ठीक है, इतना आपके ही समझ में आ चुका है क्वेश्चन, आप समझ चुके हो क्या पूछना चाह रहा है। -6 कूलॉम पे पूछ रहा है इस +3 कूलॉम के कारण कितना फोर्स लगेगा, उसकी वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए फोर्स की। ये सीधे वो नहीं पूछ रहा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, वैल्यू ही पूछ रहा खैर, पर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें पोजिशन वेक्टर निकालना है इन दोनों के बीच। पोजिशन वेक्टर निकालना है, लेकिन कहाँ से कहाँ को निकालना है। आप जानते हो कि इस +3 के कारण देख रहे हैं इस पे फोर्स, तो यहाँ से यहाँ को पोजिशन वेक्टर रहेगा। पोजिशन वेक्टर रहेगा +3 कूलॉम से -6 कूलॉम की ओर, तो पोजिशन वेक्टर वहाँ से वहाँ रहेगा। तो पोजिशन वेक्टर इस हिसाब से लिख सकता हूँ मैं कि जो ये +3 कूलॉम का जो क्या बोलते हैं उसे कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको लिख दिया हमने 5i+5j कैप+4k कैप। माइनस करूँगा जो ये -6 कूलॉम के कोऑर्डिनेट हुए, ये हो गए 3i+3j+3k। हाँ जी, फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, ये हो जाएगा 5 -3i+5 -3j+4 -3k। ये बच रहा हमारा क्या हो गया, 2i+2j+1k। ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हमारे यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ये हो जाता है √x² + y² + z² ठीक है, जहाँ पे ये x y z क्या है, कोफिशियंट है i j और k के। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया कोफिशियंट है, तो लिख दूँ उनको। कोफिशियंट क्या है, 5 में से 3 गया 2, तो 2 दुने 4, फिर यहाँ पे इसका भी 2, यानी कि 2 दुने 4, और इसका 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √9। ये बच गया हमारा 3, तो मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का 3। अब देखो जो वेक्टर फॉर्म होती है फोर्स की, वो हो जाती है हमारी F=, होता है 1/4π ε₀ q1 q2 ओवर r³ × वेक्टर r। अब यहाँ पे कोई कह रहा होगा ये वाली फॉर्म कहाँ से आई, वेक्टर की जो फॉर्म होती है वैसे तो, चलो मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। वैसे तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं फोर्स की, 1/4π ε₀ q1 q2 ओवर r² × r कैप। इसकी डायरेक्शन, और जो वेक्टर होता है आर कैप, हम जानते हैं कि आर कैप होता है किसी का तो डायरेक्शन बता रहा है, तो आर वेक्टर की बता रहा है वो डायरेक्शन, तो हो जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर कैप यही तो होता है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम इसी इसी आर कैप की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तो यही तो मिलेगा हमें, इसलिए वेक्टर फॉर्म हम इस हिसाब से लिख देते हैं फोर्स की। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो भाई फटाफट, ये हो गया हमारा 1/4π ε₀, ओ वैल्यू रखनी है, चलो कोई नहीं, इसको रफ कर दिया मैं, मिटा नहीं रहा हूँ। ये हो गया 9×10⁻¹, 1/4π ε₀। Q1 Q2 कितना था, एक था 3, एक था 6 ओवर, आप देख भी सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक -6 कूलॉम था, एक 3 कूलॉम था, तो वही रखे। और पोजिशन वेक्टर आप याद रखना क्या है, 2i 2j और k, तो यहाँ पे वो सारी वैल्यू रखूँगा मैं। आर, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आया था, ये आया था 3, तो ये हो गया 3 का, इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है, 3 का क्यूब। और यहाँ पे हो गया पोजिशन वेक्टर आर, पोजिशन वेक्टर आर आया था 2i+2j+k। अब यहाँ पे देखो भाई, 1 3 से तो इसका 1 3 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 इसका स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 3 27, ये भी 3 3 9 3 27, तो ये तो कट गए। अब बचा यहाँ पे 10⁻¹, इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 2 6 12i, 6 2 12j, और 6 कम 6k, हाँ ये हो गया। और यहाँ पे हमारा × 10⁻¹, ये है भाई इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म। -6 कूलॉम पे +3 कूलॉम के कारण लगने वाला फोर्स जो है वो इतना होगा वेक्टर फॉर्म में। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।